महाराज विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के निराशन को अपने वश में कर लिया था, ऐसा था वो राजा। लेकिन देवताओं की जो माँ हैं वो हैं अदिति और पिता हैं कश्यप। राक्षसों की जो माँ हैं वो हैं दिति और पिता हैं कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। या सर अपना अपना। अच्छा मैंने लोगों के मुंह से सुना है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि अगर बिटिया पैदा हो तो माँ पे जाती है और लड़का पैदा हो तो बाप पे जाता है। लेकिन बुजुर्गों चाहे बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ केतकी राक्षसी थी। माँ का असर न पड़ता तो हिरण्यकश्यप राक्षस के यहाँ पे भक्त प्रह्लाद पैदा नहीं होता, उसकी माँ कयाधु भक्तनी थी। भैया जब घर में बच्चा पैदा होता है ना तो बुआ बोलती मुझ पे गया है, माँ बोलेगी मुझ पे गया है, बाप बोलेगा मुझ पे गया है, मासी बोलेगी अरे ये तो मुझ पे गया है, मामा बोलेगी मुझ पे गया है। सब जब छोटा होता तो सब बोलते कि मुझ पे गया, मुझ पे गया, मुझ पे गया। और जब वो बड़ा होकर के उल्टे सीधे काम करेगा तो वही लोग चिल्ला के बोलेंगे पता नहीं किस पे गया है, पता नहीं किस पे गया है। पहले आप सुधारो। माताओं को मैंने देखा है, ये माताएं बड़ी विलक्षण हैं। बचपन में तो एक माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन एक बोतल पकड़ाएंगी बचपन में दूध वाली, ले लला पियो, तो बचपन में दूध वाली बोतल और जवानी में ठेका वाली बोतल और बुढ़ापे में सिरप वाली बोतल, जिंदगी में बोतल छोड़े हुए वालों है ना, बोतल से तो दूर ही रखो। महाराज यहाँ मैया अदिति और कश्यप ने तपस्या की है कि ये बैठा यहाँ पे इसका वंश ठीक नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो जब तपस्या करने के लिए बैठे लिखा है
तपस्या की है। भगवान प्रसन्न हुए, बोले हे मां तू हमसे वरदान मांग ले। तू हमसे वरदान मांग ले। तो मैया बोली कि हे प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो। कौन सा? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। आपके जैसा बेटा। तो भगवान मुस्कुराए कि बोले अरे मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकल में हूं ना और तू हमें मांग रही है। लेकिन जा तूने इतनी तपस्या की है तो मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। अब माताएं जरा ध्यान दे, एक गर्भवती मां अगर तीन बातों का ख्याल रखे, एक गर्भवती मां जो गर्भावस्था में होती है अगर तीन बातों का ख्याल रखे तो भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का और स्वरूप का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, नाम पे आ रहे ले कार्टून देखे अम्मा टू पतली और ये परम श्रद्धेय बड़े व्रता जी श्री जगराम सिंह फौजी साहब बर्थना से उनकी नाती राज यादव जो मालवपुर की है और 101 रुपए से सम्मानित कर रही प्रवंसी वाले से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, माँ भगवती इस पुत्र पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ये बड़ा होकर के अपने परिवार का नाम रोशन करे, यही भगवान से अभिलाषा और आकांक्षा है। हम
हमेशा धर्म के कार्यों में हाथ आगे को बढ़ते रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज एक माँ जो गर्भवती होती है वो तीन बातों का ख्याल रखे। पहला, सुबह उठ करके सुबह उठ करके एक या दो किलो जौ या गेहूं जो गांव में चाकी पाई जाती है मिट्टी की उससे पीसे। दूसरा, सुबह उठ करके गाय के 21 या 11 परिक्रमा लगाए। तीसरा, शाम को सोने से पहले एक गिलास गाय का दूध सेवन करे जो माँ गर्भवती होती है। अब आप सोच रही है तो बड़ा सरल काम है, तो आपको बता दें कि जो 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में मैया गर्भावस्था में चाकी घुमाती है, तो जैसे चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। दूसरा, गाय के शरीर में देवी देवताओं का निवास होता है। जो माँ गाय के परिक्रमा लगाएगी वो कहीं तीर्थों में नहीं जा सकती, तो घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे। और एक गिलास गाय का दूध सेवन करे तो गाय के दूध में बड़ी शक्ति ज्ञान और बल बुद्धि होती है। जो भी माँ पिएगी उसका बच्चा स्वस्थ बलवान ज्ञानी बुद्धिमान पैदा होगा। और जब तक एक माँ गर्भवती है तब तक 9 महीने तक अच्छा बोले, अच्छा खाए और गलत संगति पर गलत संगति में ना बैठे और किसी की भी बुराई ना करे। आप जैसा बोलेंगी, जैसा खाएंगी, जैसा बर्ताव करेंगी वैसा ही असर आपके बच्चे या बच्ची पर पड़ेगा। महाराज मैया अदिति सो कई है जा मैया जाए के इतना काम कर लेना और मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। मैया आई है भगवान ने 9 महीने के बाद मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। समय कौन सा था? श्रोड़ायाम श्रवणा द्वादश्याम मुहूर्ते सर्वे नक्षत्रान् चक्र इष्ट जन्मादक्षिणम्। प्रभु ने अभिजित मुहूर्त है 12 बजे है और मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। माताएं दो चार खड़ी हो जाए बधाई डालने, प्रभु का जन्म हुआ है। बधैया बाले आज वदनों में बधैया बाले आज ब्रह्म नाचे ब्रह्म
Yeah.
बोलिए लोग।